ओके तो आज हम करेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे एंड रीडिंग करके समझेंगे कि यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर को यूज करना, बट इसको कैसे और कहाँ कहाँ यूज होता है इसके ऊपर बात करना। ओके 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 मैम, तो सबसे पहले मैं पहले उठा अलीना आप रीडिंग करो जहां तक मैंने टिक लगाया है। ओके मैम। कंप्यूटर अस बिकम पार्ट एंड लाइफ ऑफ आर लाइफ। ओके मतलब ये लिखा है जो कंप्यूटर है वो बिकम का मतलब क्या होता है, होना पार्ट होता है कोई भी कंप्यूटर का पार्ट ऑफ मतलब हमारे लाइफ में ये जरूरी होता है एंड इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह इसको यूज्ड किया जाता है। वी यूज कंप्यूटर्स मतलब हम यूज करते हैं कंप्यूटर एट होम मतलब घर पर, स्कूल, ऑफिस एंड वी यूज कंप्यूटर्स टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, यानी बहुत तरह के काम में हम कंप्यूटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? बहुत तरह के काम में यूज करते हैं। बिल्कुल, और मैं अब यहाँ पे लिखा है इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट मतलब ये यूज्ड ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? माँ तो 500 रुपए की बता रहा है, वो कम में दे देगा। वो टोकरी नहीं बोल रहा था एवरीवेयर मतलब हाँ हर जगह यूज होते हैं हर जगह। कंप्यूटर, लेकिन वी यूज मतलब हम यूज करते हैं कंप्यूटर को घर मैम पर, इतने देखे थे, 500 की आ रही थी, तो अभी खाना ऑफिस रख के में दे देगा। करते हैं ना। यस मैम। और ये फिर लिखा हुआ है वी यूज बाल कंप्यूटर मतलब हम कंप्यूटर ये यूज करते हैं टू वो कौन डू बाल काइंड काटता है, जिनके बाल ऑफ वर्क कटवा मतलब बहुत देंगे, तरह के काम वो टाइम टाइम से में जाएगी तो बाल बाल हट जाएंगे लिखा है सारे। करते हैं ना। यस मैम। गुड। यस अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैम। देखो हमें यहाँ पर एट होम यानी सबसे पहले घर के बारे में बता रखा है और ये यहाँ पर एक इमेज भी बनी गुड हुई है ना। आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप सब में से कोई एक अच्छी तरह रीड करो इसको। हाँ हाँ कर। टू डू आर होमवर्क, टू प्ले गेम्स, टू लाइक, टू मशीन सही में मर गई। एंड वॉच मूवी एट स्कूल। थी वो उसकी बहन, वो टिफिन लेके जा रहा था तो उसने। ओके अब ये देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस लर्न यानी लेट अस का मतलब होता है हम, अस लर्न अबाउट मतलब हम पढ़ते हैं अबाउट हाउ, अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में जैसे अबाउट इट अबाउट मी, तो हाउ का मतलब क्या, कंप्यूटर्स यानी चलो पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में कि आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेस यानी जो कंप्यूटर को यूज करते हैं उसके डिफरेंट प्लेस। ओके सबसे पहला था कि हम इसको होमवर्क में यूज करते हैं जैसे कि हमारे स्कूल से हमें मिला है कि हमें कोई डिफरेंट चीज बनानी है जो बहुत सारी चीज कंप्यूटर से होती है। ओके ओके पहला हमें क्लियर हो गया कि हमें मैम। होमवर्क में ये करना होता है जो मैम देती है हमें। सेकेंड है टू प्ले गेम्स यानी हम कंप्यूटर में गेम्स भी खेलते हैं जैसा ये बच्चा खेल रहा है यहाँ पे। जी मैम। नेक्स्ट हम कर यहाँ पे गेम पे भी हम ओके करेंगे। नेक्स्ट हमारा है हम इससे क्या करते हैं लेसन यानी सुनते हैं म्यूजिक और मूवीज, मूवीज देखते हैं ना। देखो अब किसी के घर में मान लो कि टीवी नहीं है तो जिसके घर में टीवी नहीं है उसके घर पे कंप्यूटर है और जो कंप्यूटर होता है वो काफी चीजों में हमारी हेल्प करता है लाइक मूवीज में और गेम्स में होमवर्क्स में पीडीएफ में इमेज बनाने में यूट्यूब खोल के देखने में है ना। जी मैम। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि घर में हम यूज करते कंप्यूटर इस चीज पे यानी म्यूजिक में मूवी में होमवर्क में और गेम्स में। अब हम देखते हैं कि एट स्कूल यानी स्कूल में हेलो, गुड आफ्टरनून
वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ओके सॉरी आई एम लेट. कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं. ओके अब हम यहाँ से करते हैं एट स्कूल. तो अब यहाँ से यहाँ तक सोनम रीड करो. गुड आफ्टरनून. ओके मैम. टू मेक टाइम टेबल्स टू प्रिंट नोटिस टू ईच स्टूडेंट्स. ओके पहला तो हम स्कूल में क्या करते हैं, हम जैसे टाइम टेबल मैंने आप सभी को एक रूटीन वाला रजिस्टर बताया, रूटीन वाला एक वीडियो बना के मैंने आप सभी को बताया yes, था ना. यस मैम. तो वो रूटीन का मतलब होता है, एक तो रूटीन हम होता है कि हम एवरीडे लिखते हैं, एक रूटीन हम टाइम टेबल अपना बनाते हैं. जैसे हमें 6 बजे उठना है, हमें 6 से 6:30 रेडी होना है, 7 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, 7 बजे के बाद हमें स्कूल जाना है, उसके बाद 12 बजे हमें घर आना है, ऐसे एक टाइम टेबल होता है. ओके ओके मैम. नेक्स्ट होता है जो वो है नोटिस. जैसे मान लो नोटिस क्या होता है, जैसे मान लो मुझे आज कल स्कूल नहीं आना, तो मैं कंप्यूटर में नोटिस यानी एक पेज खोलूंगा, चाहे आप नोटपैड खोलो चाहे आप एक्सेल खोलो, उसमें आप अपना टाइप करोगी, सॉरी सर कल मैं नहीं आ सकता, मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, या फिर मुझे आउट ऑफ स्टेशन सिटी जाना है, कोई भी आप अपने प्रॉब्लम को जो टीचर को बताना चाहते हो, कल आप नहीं जाओगे, तो हमें नोटिस देना है. ओके जी मैम. नोटिस होता है टीच स्टूडेंट, यानी जो जो स्टूडेंट होते हैं वो कंप्यूटर से बहुत कुछ सीखते भी हैं. जैसे मान लो बहुत छोटा बच्चा है या फिर थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया, उस बड़े बच्चे को नहीं पता कि हड्डी ये बोन्स या हड्डियां क्या होती हैं, तो वो कर सकता है गूगल पे टाइप व्हाट इज बोन्स, तो फिर उसको सब कुछ पता चल जाएगा ना. तो इसे बोलते ये मतलब वो फिर स्टूडेंट ने सीखा है, टीच स्टूडेंट. ओके जी मैम. हम आगे चलते हैं. अब हमारा होगा ऑफिस. ओके तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक रुकिए, आप रीड करो. टू टाइम लेटर एंड रिपोर्ट टू कीप रिकॉर्ड्स एंड स्टोर इंफॉर्मेशन टू सेंड एंड रिसीव अ मेल्स. या तो इसमें पहले क्या बताया है, टाइप करो. क्या टाइप करो, लेटर को, एंड रिपोर्ट बनाओ. जैसे ऑफिस में हम कोई भी काम करते हैं ना, तो अगर आप बहुत अच्छी ऑफिस में जाओगे तो आप लोगों से वो लोग रिपोर्ट मांगेंगे कि आज आपने क्या क्या किया, कितना काम किया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब. तो पहला तो रिपोर्ट बनाना होता है. ओके दूसरा है हमारा मतलब रिकॉर्ड बनाने के बाद उसको स्टोर करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे स्टोर करना होता है कंप्यूटर में. और फिर क्या होता है, फिर हमें सेंड करना होता है ईमेल से. ईमेल हर किसी की ईमेल आईडी होती है ना. जी मैम. ईमेल तो कंप्यूटर से हम ईमेल को यानी वो रिकॉर्ड को हम उस व्यक्ति को भेज सकते हैं जिसका ईमेल हमारे पास है और हमने कंप्यूटर में टाइप किया ईमेल पे जाके और हमने उसको अपनी रिपोर्ट मेल कर दी. ओके अब हम शॉप का पढ़ेंगे. भारती आप रीड करो. ओके मैम. टू कीप अ लिस्ट ऑफ मैम एक मिनट टीम. हेलो. हाँ मैम यहाँ शोर बहुत हो रहा था मैम, मैं वापस से करती हूँ. टू कीप ऑफ इट्स एंड लेटर मैम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, यहाँ शोर बहुत हो रहा है. कोई नहीं अब यहाँ पे मैं बताती हूँ. मतलब कीप का मतलब रखना होता है, ए लिस्ट, हमें लिस्ट रखना होता है टीम का. दे आर मतलब जो उनका काम होता है वो. मान लो आप जितनी बार दुकान कई लोग पर्ची बना के देते हैं, आप ज्यादा सामान लेते हो तो पर्ची बना के देते हैं. 400 रुपए का तेल हो गया, 100 रुपए का आटा हो गया, लिस्ट में कीप डिटेल करते हैं, जो कस्टमर की जो डिटेल होते हैं उसे नोट करते हैं, मेक बिल्स बनाते हैं उसका कंप्यूटर से. अब आप मॉल वगैरह जाओगे तो आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर से वो लोग यू बिल निकाल के दे देते हैं, मेक तुरंत बना के. शॉप में ये काम होता है, शॉप में वो आप सभी की मतलब जो भी सामान आप लेते हैं उसकी डिटेल बनाकर अच्छी तरह फिर उसकी डिटेल आपको देते हैं कस्टमर्स को. ओके ओके मैम.
इसमें लिखा हुआ है बैंक। अब हम बैंक की तरफ चलते हैं, और जो जो बच्चे रीडिंग नहीं किए वो मेरे को बोला करो कि मेरी रीडिंग नहीं हुई है। ओके, अब हम करेंगे बैंक का। तो जो बैंक होता है, टू बैंक मतलब जो ऑफ कस्टमर, मतलब जो कस्टमर की डिटेल होती है बैंक में, और टेक आवर मनी। तो जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, वो अपना कार्ड डालता है और उसको क्या होता है, उसको जितने पैसे निकालने होते हैं पैसे निकालते, तो उसको क्या एटीएम मशीन पर्ची भी देते हैं। तो जब भी हम कोई मतलब कोई काम करते हैं, कोई पैसे जमा करते हैं, कोई पैसे निकालते हैं, तो हमें वो लोग एक पर्ची देते हैं जी। कस्टमर को डिटेल में पैसे निकालने और डालने का पर्ची मिलता है, और डिटेल डिफरेंट अकाउंट एंड एटीएम इनके भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब बैंक में तो यही काम होता है, कस्टमर को मतलब वो जितने पैसे उसको निकालने हैं वो उसकी देता है, और एटीएम मशीन भी देती है। ओके ओके अब एट हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स का क्या काम होता है? अब देखो आप लोग इससे कंप्यूटर से ही कितना कुछ जान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। यस सोनम रीड करो। टू कीप डिटेल्स ऑफ पेशेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट, टू मेक बिल्स एंड रिपोर्ट्स, टू चेक ए प्रिंट प्रिंट हेल्थ कंडीशन। पहला इसमें ये बताया कि जो डिटेल होता है, मतलब जो हमारे जो भी पेशेंट होता है, वो पेशेंट की हम डिटेल बनाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, डिटेल बनाते हैं हॉस्पिटल में। और फिर क्या कहते हैं, टू मेक बिल्स, हम बिल भी बनाते हैं, उनको बिल देना होता है, फिर उनको रिपोर्ट भी देना होता है। जैसे किसी ने अपना एक्सरे करवाया, पूरी बॉडी को देखने के लिए एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में हमें कंप्यूटर की नीड पड़ती है, तो फिर वो उसको रिपोर्ट भी दिए, बिल भी दिए। और क्या होता है, इससे हम चेक करते हैं अपनी हेल्थ और कंडीशन, हमारी हेल्थ कैसी है। जैसे हम शुगर चेक करते हैं, शुगर मैम। यस मैम, शुगर, थायराइड, एनीथिंग। मैम ये मैं रीड करूं? मैम मैं रीड करूं? Yes, Alina, read karo. Okay. To book and cancel tickets to real people when winter will take off or land at the airport to find out where the friend are at a given time. Mam ho gaya. Mam ho gaya. Okay, तो सबसे पहले है कि मतलब जो एयरपोर्ट होता है, हम जाते हैं तो हम लोग अपना पासपोर्ट देते हैं, उसके बाद हमें पर्ची मिलती है ना, हमें जहाँ जाना होता है। Yes, ma'am. फ्लाइट में सबसे पहले हमें ये पर्ची मिलती है, ये पर्ची मिलती है कि फ्लाइट कितने बजे आएगी और कितने बजे लैंड होगी एयरपोर्ट पे। ये टू पॉइंट ढूंढते हैं, आउट वेयर मतलब बाहर कहाँ, फ्लाइट आर एट एनी मतलब कहीं भी, गिविंग टाइम मतलब जो टाइम होते हैं, टाइम पे वो लैंड होती है, हमें ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हमारे पास पर्ची होती है। और जो भी सीट पे हमें बैठना होता है, ज्यादातर तो सीट के लिए हमें क्या दिया जाता है, हमें कॉइन या फिर पर्ची दिया जाता है कि इस सीट पे आपको बैठना है, ये सीट आपकी है, होती है ना। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा है रेलवे स्टेशन। चलो यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ना गुरुवा ने
है कि मेरा रीड हुआ है ना उमर ने बोला है, ये दोनों पता नहीं क्यों आते जब इन्हें पढ़ना ही नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने पढ़ेगा नहीं, जो बच्चा बोलेगा नहीं, उसको आएगा कैसे? ओके सोनम रीड करो। ओके मैम। टू बुक एंड कैंसिल टिकट्स, टू टेल पीपल व्हेन ट्रेन्स विल अराइव एट और डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन। ओके तो सबसे पहले क्या है, टू टेल पीपल व्हेन ट्रेन, मतलब कि वो पीपल को, मतलब लोगों को बोलते हैं कि ट्रेन विल अरेंज, मतलब जो ट्रेन आने वाली होती है उनको बताते हैं, और एट मतलब उनको बताते हैं कि ट्रेन इतने बजे आनी पड़ती है फ्रॉम द स्टेशन, तो स्टेशन पे वो लोग रुकते हैं। तो मेनली रेलवे स्टेशन पे हम लोगों को सबसे पहले टिकट करवाना पड़ता है कि हमें यहाँ जाना है, इसकी ट्रेन कब आएगी, कितने बजे आएगी, तो वो लोग फिर हमें डेट देते हैं ना निकाल के। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी उन लोगों ने कंप्यूटर का यूज किया है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes, हमारा है एट होटल। होटल आप सभी को पता, जहाँ हम जाते हैं, हम रुकते हैं। Yes, ma'am. बुक जो करते हैं। Yes. Okay, ma'am. To keep diaries of details of guests and their stay in the hotel, to keep a list of the क्या मैम ये लिखा है, to keep a list of the okay मैम, to keep a list of the rooms in the hotel, to make bills मैम हो गया। सबसे पहले बता रखा है जो कस्टमर जो आते हैं उनकी डिटेल रखते हैं, मतलब जो गेस्ट आते हैं उनकी डिटेल रखते हैं, और उनको रुकने के लिए स्टे इन द होटल, होटल में रुकने के लिए फिर अनुमति देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लिस्ट ऑफ द रूम, मतलब रूम की लिस्ट देखते हैं, और फिर उसके बाद उनको बताते हैं कि रूम नंबर 78 खाली है, तो आप इसमें चले जाओ इन द होटल। तो उसके बाद फिर उनकी वो बिल बताते हैं ना? जी मैम। Yes, ma'am. होटल में काम यही होता है, वो चेक करते हैं कौन कमरा बुक है, कौन कमरा खाली है, कितने कस्टमर आ जाए हैं, कितने कस्टमर कल आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या आया है, कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज, मतलब यहाँ से भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सोनम रीड करो, सेकेंड वाला रुकैया रीड करेंगी। सोनम रीड करो पढ़ेंगे, और यहाँ वाला भारती, यहाँ वाला अलीना, यहाँ वाला उमर। सोनम रीड करो, सोनम है या सो गई? मैम मैं बोल रही थी, मैं म्यूट था, सॉरी। ओके रीड करो। रिपोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स एंड मैच सिंगरेट फिंगरप्रिंट्स एट पुलिस स्टेशन। हाँ, तो इसमें सबसे पहले क्या बता रखा है, जो पुलिस स्टेशन में यानी जो क्रिमिनल होते हैं, यानी जो चोर होते हैं, जो मर्डरिस्ट होते हैं, इन सबके क्या होते हैं, इन सबके ना फिंगरप्रिंट लेते हैं। yes, इसके बाद क्या होता है, फिंगरप्रिंट मैच करते हैं, फिंगरप्रिंट से अगर कोई और मतलब क्राइम होता है तो उस वहां से क्या होता है, उनको जो भी मतलब मान लो किसने ग्लास यूज किया तो उस पर फिंगरप्रिंट चढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो उस फिंगरप्रिंट को निकालते हैं एट पुलिस स्टेशन में, और फिर उस मुजरिम को ढूंढते हैं। ओके नेक्स्ट रुकैया रीड करेंगी। डेसिंग बुक मैगजीन एंड न्यूज़पेपर इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। अच्छा, इसमें इन्होंने बताया कि जैसे बुक भी छपती है, और मतलब जो मैगजीन होती है, जो न्यूज़पेपर होता है, जो प्रिंट निकलता है, ये सभी कंप्यूटर की हेल्प से निकलता है ना? Yes, ma'am. भारती क्रेटन सर्चिंग इन मूवीज, जैसे कार्टून होता है,
मूवीज होती है इनको हम क्या होता है हम कंप्यूटर पे बना भी सकते हैं अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं और इनको हम देख भी सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट ओके मैम स्टैंड इन स्पेस स्पेस इसका मतलब क्या है कैन यू एक्सप्लेन मी एनीवन क्या कोई बच्चा इसे एक्सप्लेन कर सकता है मैम कौन सा आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। फुट का मतलब अंदर होता है सेलेस्टियल्स इन स्पेस यानी कोई भी जो जगह होती है हम अगर अपने आपको मैं एक मोबाइल का और एक कंप्यूटर का एग्जांपल देती हूँ जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कहीं भी रह के हम ये पता कर सकते हैं कि हैदराबाद में इस जगह में कौन सी जो फ्लैट है वो इस साइड को खाली है तो हम बिल्डिंग्स वगैरह वहां आसानी से ढूंढ लेते हैं। ओके Tell you about the weather in advance. Okay, इसमें है कि tell us यानी हमारे जो tell us यानी tell का मतलब बोलना us का मतलब हम about का मतलब किसी के बारे में और what her wait her in advance जो हमारी कंप्यूटर है वो सबसे एडवांस चलता है ये ठीक है yes. ओके मैम ओके अब हमारा आ गया है एक्टिविटी मैच द यूज ऑफ कंप्यूटर विद प्रॉपर प्लेस ओके गुड तो यहाँ पर सबसे पहले बताए यूज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे है प्लेस तो यहाँ पर है टीच स्टूडेंट तो ऑब्वियसली ये स्कूल में होगा तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस दे रखे हैं इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी दिस इज योर क्लास वर्क इसे अभी कंप्लीट करके आपको भेजना है। ओके मैम टेक स्क्रीनशॉट मैम ले लिया एक ओके ठीक है अब आप इसे कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पे भेजो सारे। ओके मैम ओके मैम मैम मैंने सेंड कर दिया ओके आपने सही नहीं किया है आपने थोड़ा बहुत गलत जोड़ दिया है बाकी सारे बच्चों के आए नहीं है मेरे पास जल्दी जल्दी करो अलीना ने सबसे पहले भेजा है हेलो मैम मैम क्या करना मैं मेरी लीव हो गई थी मैम
ओके ओके कोई बात नहीं. यहाँ पर है मैच द यूज ऑफ कंप्यूटर विद प्रॉपर प्लेस. यहाँ यूज ऑफ कंप्यूटर है मतलब यहाँ पे कंप्यूटर यूज करने वाले, यहाँ पर प्लेस है तो आपको मैच करना है सही सही. अच्छा जी. ओके मैम मैं करती हूँ. मैं भी करूँ? बिल्कुल बिल्कुल ये सबके लिए है. गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं. सारे बच्चे अब सेंड कर दो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है. मैम कर दिया हमने. ओके चेक कर रही हूँ. अभी तक मेरे पास भारती का ही आया है और अलीना का और रुकैया का. मैम मैंने भी कर दिया आपको. ओके रुकैया का सही है बाकी सबका ही गलत है. मैम मेरा भी गलत है. मैंने अभी सोनम आपका चेक नहीं किया है. ओके मैम मेरा कैसा है. मैम हमारा देख लीजिए हमें भेज दिया है. सोनम का सही है बाकी गुरुब और मतलब भारती का और रुकैया का इन सबका सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक है. अभी इसको मैं जोड़ देती हूँ. ओके सबसे पहले इन्होंने कुछ पूछा है यहाँ पर. क्या पूछा है ये. बता दो इतना शोर नहीं करो. मैम इन्होंने पूछा है मैच द यूज ऑफ कंप्यूटर विद प्रॉपर प्लेसेस मतलब जहाँ पे जो जैसा काम होता है वो उस वैसी जगह पे ही मैच करके निशान लगाओ. मैंने आपसे ये पूछा था. ये अच्छा ये मैम इस पे आएगा ये पब बोले वो. मैंने ये पूछा ये लिखा क्या है. बुक एंड कैंसिल टिकट जहाँ पे जो बुके होती है ना जो टिकट होती है वो कैंसिल हो जाती है. ठीक है स्टेशन है कि ये डिटेल होती है किसकी पेशेंट की तो ये हॉस्पिटल हो गया. अब यहाँ आ गया रिकॉर्ड ऑफ
ये पुलिस स्टेशन। सारे बच्चे पहले अनम्यूट कर लो, मैं बोल रही हूँ, आप सब बीच में ही बोले जा रहे हो। फिर ये है कीप डिटेल ऑफ गेस्ट एंड द स्टे, तो स्टे और रखना तो वहीं पे होता है ना, जहाँ पर। मैम आंसर बता दीजिए। उमर मैंने बोला तो आप सभी को कि सिर्फ भारती का और गुरुबा का और अलीना का थोड़ा गलत था, बाकी सबका सही है। आप सब भी तारीफ के पीछे भागने लग जाते हो तुरंत। तो यहाँ पर ये था, तो स्टे रुकना मतलब ऑलवेज यही है कि ये होटल होना चाहिए, ये ऐसे जुड़ा होना चाहिए। गुरुबा आपका तो सारा ही गलत था, आपने देख के जोड़ा ही नहीं कि कहाँ जोड़ना था। सॉरी मैम, हर चीज सॉरी से थोड़ी ना होती है, सॉरी से आप थोड़ी ना पढ़ लोगी, करने से पढ़ोगी आपको। मैम कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमारा आया था टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है ये कंप्यूटर कैन नॉट, तो यहाँ पर आपको राइट यानी सही और गलत का निशान लगाना है, यानी ये और ये निशान लगाना, और मैं जिसका नाम लूंगी मुझे वही बताएंगे सिर्फ, ठीक है? ओके मैम। तो सबसे पहले इसने पूछा कैन नॉट, मतलब जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर वर्क फास्ट करता है, यस और नो? यस मैम। मैम यस मैम। वेरी गुड। ओके मैं नाम लेके बोलूंगी, नाम लेके। गुरुबा मुझे बताओ कंप्यूटर डिसीजन लेता है? यस मैम लेता है। ओके उमर बताओ कंप्यूटर डिसीजन लेता है? यस। वेरी गुड। गुरुबा का और यस मैम बिल्कुल सही जवाब है। ओके और कौन बताएगा? मैम नहीं होता। मैम नो मैम, कंप्यूटर खुद से डिसीजन ले ही नहीं सकता, टेक। यस मैम मैं नहीं ले सकता, तो ये गलत है। मैंने नो बोला मैम। ओके स्टोर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर स्टोर हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है या नहीं करता है, ये बताएगी। हाँ हाँ मैंने नाम लिया किसी का, भैया जी मैम करता है। ओके अब हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है, विच यानी कौन सा ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स कैन नॉट बी, क्या है? कैरेट। कैरेट क्या होता है? मैम ये नहीं पता पर कैरेट लिखा है। कैरेट अलोन क्या होता है? कैरेट भी कैरेट अलोन, आई डोंट नो, बता दो। ओके यहाँ पर हमें थ्री ऑप्शन दे रखे हैं। मैम डेस्कटॉप। क्या? डेस्कटॉप। इन डेस्कटॉप कंप्यूटर हेल्प इन कीप रखना डिटेल्स ऑफ प्रिंट। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, डेस्कटॉप। तो हमारा थर्ड है, अच्छा ये गलत है, ये हमारा लैपटॉप होगा, कहीं भी हम जो कैरी कर सकते हैं अकेले। ओके अब हमारा ये मैम वही मैं सोची लैपटॉप कैसे हो गया, ये नीचे वाला क्वेश्चन देख लिया मैंने, देखा ही नहीं। ओके अब यहाँ इन है और यहाँ पर गैप है और यहाँ लिखा है कंप्यूटर हेल्प इन डिटेल्स ऑफ पेशेंट। मैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप यहाँ आएगा। यहाँ तीन ऑप्शन दे रखा है, होटल मैम हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल राइट, हॉस्पिटल, क्योंकि पेशेंट की तो डिटेल हम हॉस्पिटल में रखते हैं ना। यस मैम, यस मैम। ओके यस यस मैम। तो हमारा आया है फिल इन द ब्लैंक्स,
फिल इन द ब्लैंक चॉइस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. तो ये हमारे को यहाँ पर हमें वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पर हमें इनको चूज करके फिल करना है. तो मैं आप लोगों को स्क्रीन छोटी कर देती हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके. तो क्वेश्चन बी छोड़ दो आप सब, सी और डी का आपको मेनली लेना है. तो सी और डी को आप बड़ा करके ले लो. क्योंकि नीचे भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं डी के. ले लिया मैम. तो ये देखो सी वाला जो है उसमें आपको ट्रूथ ट्रू और क्या लगाना है, फॉल्स. ट्रूथ और फॉल्स. तो यहाँ पे आप टॉप कंप्यूटर कैसे लगाना, यानी आपको सिर्फ क्वेश्चन सी में यहाँ पर आपको सिर्फ मान लो यहाँ पर लिखा हुआ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन ए बैटरी. क्या कंप्यूटर मतलब जो उसका डेस्कटॉप होता है कंप्यूटर, क्या वो काम बैटरी से करता है? ट्रू यानी सच, फॉल्स यानी सच नहीं झूठ. तो आपको यहाँ पे टी और एफ लिखना है. तो बताओ कि कंप्यूटर बैटरी से काम करता है. मैम नो मैम. टी एफ एफ गलत अखबा है कि कंप्यूटर बैटरी से काम करता है, कंप्यूटर बिजली से काम करता है. अगर इसकी जगह लैपटॉप होता तो उसको हम लिख सकते थे ट्रू. आपको एक तो ये करना है, दूसरा आपको डी वाला करना है. ठीक है जी मैम. क्वेश्चन सी क्वेश्चन डी ये करना है. डी वाला. यस डी वाले दो यहाँ है, दो नीचे है यहाँ पे. ओके अब यहाँ पर हमारा एक्टिविटी है तो ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम छोड़ सकते हैं. लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हम क्या रहे मैम इसको कैसे करेंगे मैम, थोड़ा नीचे और कर दीजिए. क्या ऊपर सॉरी स्टूडेंट को लिखता है बताइए. बस इन इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं आपको. अच्छा मैम. अच्छा ओके मैम, मैंने तो ले लिया मैम. इसमें आप लोगों को यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड कुछ माइनस ऐसे दे रखे हैं, जैसे 9 प्लस